आरएमसी मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज में आज है डे 26 और आज पाइप्स एंड सिस्टम का एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए. ओके, बड़ा अच्छा सवाल है. आपसे कहा है अ टैप टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा टू फिल ड्यू टू अ लीकेज विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो. देखिए क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सपोज अगर कोई टैप है, ठीक है, टैप ए सपोज, और वो इस टैंक को भरने में अगर एक्स आर्स लगाता है, एक्स आर्स, ओके, लीकेज की वजह से, सपोज ए टैप भी लीकेज है, लीकेज की वजह से, अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी लिख रहा हूं, लीकेज की वजह से वो एक्स आर्स के बदले अब 36 आर्स एक्स्ट्रा लगाएगा. ओके, अ टैप टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा टू फिल टैंक ड्यू टू अ लीकेज. मतलब जब लीकेज फंक्शनिंग में है, जब टैप ए तो ऑन है ही, जो टैंक को भर रहा है, जिसको हम इनफ्लो भी बोलते हैं, इनलेट भी बोलते हैं, जब इनलेट फंक्शनिंग में है तो, और साथ साथ आउटलेट भी काम कर रहा है, लीकेज भी काम कर रहा है, तब 36 आवर्स एक्स्ट्रा समय लग रहा है टैंक को भरने में. आपसे पूछा इन हाउ मेनी आवर्स कैन द इनफ्लो फिल द टैंक. आपको सिर्फ ये निकालना है कि टैप ए इस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है. एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो. इनफ्लो का मतलब ये देखिए, लीकेज इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि अगर टैप ए एक्स आर्स में इस टैंक को भरता है, एक्स आर्स में, तो ये टैप भी क्या करेगा, उसके डबल आर्स में इसको क्या करेगा, खाली करेगा. ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, और वैसे भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो लीकेज है, लीकेज का फ्लो हमेशा इनलेट से कम ही होना चाहिए, तभी तो हमारा टैंक भरेगा. ओके, तो जो लीकेज का टाइम होगा ना, इट विल बी ट्वाइस, मतलब 2x आवर्स आ जाएगा. ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि टैप ए इज टेकिंग 2 आवर्स, ठीक है, टैप ए 2 घंटे ले रहा है इसको भरने में, तो टैप भी इसको खाली करने में, मतलब आधा खाली करने में 2 घंटे लेगा, आधा खाली करने में हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, लेकिन पूरा खाली करने में डबल टाइम लेगा. तो इसलिए मैंने डबल टाइम का मतलब है 4 आवर्स, इसलिए एक्स आवर्स लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आवर्स. बस अब तो बेसिकली ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है, अब तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है. ए इज हाउ मच, 1/x प्लस, अब बी इनलेट है, सॉरी बी आउटलेट है, लीकेज है, तो मेरे काम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो माइनस होगा, ध्यान रखना. B कितना है, 1/2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 36, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है. LCM इज गोइंग टू बी 2x, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 36, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. अच्छा सॉरी, ये चीज ध्यान रखना कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्स प्लस, दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1/x + 36, ठीक है, इसका भी तो आप यूनिट टाइम लोगे ना, इज इक्वल टू 1/x + 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 36. इसका मतलब सिर्फ टैप ए अगर ऑन रहेगा तो 36 आवर्स में वो भरेगा इस टैंक को, और 36 आवर्स एक्स्ट्रा का मतलब है जब लीकेज विल कम इन टू पिक्चर, तो 36 आवर्स एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 72 आवर्स लग जाएंगे उसको भरने में. ओके, तो आई होप कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें अच्छी लैंग्वेज छुपी हुई है और किस तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे वो सारी चीज़ें हैं. ओके, आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा. बच्चे एवरेज के क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर एवरेज का एक फुल फ्लेजेड आप वीडियो बनाओ, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है फुल फ्लेजेड एवरेज के, ठीक है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखो, वहाँ से कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द आरएमसी एस्पिरेंट्स, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद.